आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे महबूबाबाद के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री वाई वेंकटेश्वर राव जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री के लक्ष्मण जी, आप सबके बहुत ही प्रिय और यहाँ के प्रभारी, यहाँ के प्रत्याशी श्री प्रोफेसर अजमीरा सीतारमन नायक जी, हमारे प्रेमेंद्र रेड्डी जी, हमारे जी मोहन राव जी, एक्स एमपी और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, हमारे धर्मा राव जी, सुरेश रेड्डी जी, श्रीधर रेड्डी जी, वेंकट नारायण रेड्डी जी, श्रीनिवास रेड्डी जी, अशोक रेड्डी जी, वेंकटेश्वरलु जी, प्रदीप राव जी, सम्मानित मंच और आज के इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, माताएं बहने, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं यहां पर आया हूं तो मां देवी समक्का और सरलम्मा नमक को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि यहां वह प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर भी है जिसको यूनेस्को से भी विरासत में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना गया है। मैं ऐसे पूज्य स्थान को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज जब मैं यहां महबूबाबाद में आया हूं तो धर्मगुरु सेवालाल महाराज जी को भी याद करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन बंजारा समाज के उत्थान में, विकास में लगाया। ऐसे हमारे धर्मगुरु सेवालाल जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। ये चुनाव की बेला है, हमारे अजमीरा सीतारमन जी अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी ने विकास के काम को आगे बढ़ाया है, पर मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश का विकास ही नहीं किया, मोदी जी ने देश को और देश की राजनीति को, उसकी संस्कृति, उसका रंग ढंग, उसका चाल चरित्र, उसका ढर्रा, उसका काम करने का तरीका, ये राजनीति की परिभाषा से लेके संस्कृति का मोदी जी ने पिछले 10 साल में बदल डाला है और नया संस्कृति खड़ी की है, इसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो पहले राजनीति क्या होती थी? राजनीति का मतलब होता था धर्म को धर्म से लड़ाओ, राजनीति का मतलब होता था जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म का राजनीति का मतलब होता था वोट बैंक की तुष्टीकरण करो, वोट बैंक को संभालो और भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, यही चाल चरित्र था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह सब चीज समाप्त हो गई और विकासवाद की राजनीति आगे आकर के खड़ी हुई, विकासवाद को लेकर के मोदी जी आगे चले। और जब विकासवाद की बात मैं कहता हूं तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी,
पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के दृष्टि से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस राजनीति को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े और इसीलिए विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे बीआरएस हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों सरकारें एक मजबूर सरकार और एक लाचार सरकार थी। अगर मजबूती की सरकार कोई लेके आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए मजबूत सरकार। ये मजबूत सरकार का नतीजा है कि जो हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विरोधी पूछते थे तिथि कब बताएंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कठोर 10 दिन के अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो भी हमने देखा। मित्रों ये मजबूत सरकार का नतीजा है, मजबूत सरकार, स्ट्रांग गवर्नमेंट। ये मजबूर सरकार और लाचार का तरीका नहीं है। उसी तरीके से हम कहते थे कि एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं रहेंगे, और हम ये कहते थे 1951 से। लेकिन जब आपने मजबूत सरकार बना करके दी तो 2019 के 6 अगस्त को हमारे नरसिंह गौड़ा जी भी यहां बैठे हैं, उनको याद होगा, उनके उंगली से उस समय और बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया और इस देश में एक निशान एक विधान एक संविधान एक प्रधान ये पूरा हुआ है। तो ये है मजबूत सरकार। मजबूत सरकार का मतलब होता है आपके तेलंगाना के भाई फौजी भारत के फौज में भारत की आर्मी में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर नियुक्त होते थे और पाकिस्तान से गोली चलती थी। कांग्रेस के जमाने में मजबूर सरकार थी लाचार सरकार थी, गोली का जवाब नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तय हो गया है जहां से गोली चलेगी वही गोली दागी जाएगी और उनका सफाया किया जाएगा। आज सर्जिकल स्ट्राइक में घर में घुसकर मारने का काम पाकिस्तान के लिए किया है तो मोदी जी ने किया है। आज एयर स्ट्राइक तुम पुलवामा करते हो तो मोदी जी कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन में हमारे हवाई जहाज में एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में ध्वस्त कर देते हैं उनके कैंप को, यह स्थिति आकर के खड़ी होती है। ये मजबूत सरकार का नतीजा है। और मजबूर सरकार लाचार सरकार में आतंकवादियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर उनसे वार्ता की जाती है, ऐसी मजबूर सरकार है। आप बताइए आपको मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा जोर से बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो अजमीरा सीताराम नायक को 13 तारीख को दिल्ली भेजने की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों यहां हमारा बंजारा समाज है, लंबे समय से आप लोगों ने देश की सेवा की है, लेकिन आपकी चिंता कब हुई? आपकी चिंता हुई जब मजबूत सरकार आई और मोदी जी के नेतृत्व में आपकी चिंता हुई, मोदी जी के नेतृत्व में। मैं यहां कह सकता हूं कि चाहे जनजातीय गौरव दिवस की बात हो या फिर आदिवासियों के लिए वन धन के माध्यम से एमएसपी देने की बात हो,
चाहे प्रोडक्ट को एमएसपी में लेने की संख्या की बात हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। तो ट्राइबल के दृष्टि से तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस काम को किया है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम खोलने का काम हैदराबाद में हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है जिसके कारण से ये हुआ, इसको भी आप याद रखिए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अजमीरा जी ने जिस प्रकार से रमप्पा टेम्पल को हेरिटेज बनाने में योगदान किया और मोदी जी ने इसमें जिस तरीके से साथ दिया, तो आज रमप्पा टेम्पल यूनेस्को के हेरिटेज में आ गया, वो भी याद रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज ट्राइबल आदिवासी समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और वो भी समक्का और सरलम्मा के नाम पर खोलने का काम किया, तो उस समय एमपी अजमीरा जी थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको करके दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे से हैदराबाद से भद्राचलम को जोड़ने का काम किया, तो वो भी मोदी जी की सरकार ने किया है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पासपोर्ट का दफ्तर अब महबूबाबाद में खुल गया है, लोग अब हैदराबाद नहीं जाते, अब वो अपना पासपोर्ट बना करके हमारे लोग यहां से अपना उपयोग करते हैं, ये भी हमने देखा है। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक दृष्टि से भी विकास हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज अमेरिका की कोरोना के चपेट के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यूरोप के देश ठीक नहीं है, रशिया की आर्थिक नीति भी ठीक नहीं है, हमारे जापान की, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से लंबी छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप अजमीरा सीतारमन जी को चुनाव जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे दवाई बनाने की बात हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स की बात हो, चाहे टॉय इंडस्ट्री की बात हो, चाहे स्टील की बात हो, भारत ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर पर खड़ा है, इस्पात में 2रे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में 2रे नंबर पर खड़ा हो गया है, भारत टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर खड़ा हो गया है, पेट्रोकेमिकल्स में 3रे नंबर पर खड़ा हो गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल बनाने में भारत 2रे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आज से 10 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आप सबके पास जो मोबाइल है उस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं, दुनिया का 2रा नंबर का मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश हो गया। ये भारत की बढ़ती हुई तस्वीर है और ये बदलती हुई तस्वीर है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको भी अगर एम्पावर किया, ताकत दी, तो किसी और ने नहीं दी, मोदी जी ने आपको दी है, मोदी जी ने आपको दी है।
आज यहां हमारे रेड्डी साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, लंबे समय से एमएलए रहे हैं, इनसे पूछो आज से 10 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए एक साल में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मिलता था। आज मोदी जी के राज में एक पंचायत को 2.5 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है, 2.5 करोड़ से। आज 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं, 2 लाख पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचने की योजना बन गई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जब एमएलए बना था 1993 में, तो हमको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत को 2 घर बनाने के लिए मिलते थे, 2 घर 2 घर। आज मोदी जी ने सारे देश में गरीब लोगों के लिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, 4 करोड़। और आपने अजमेरा सीतारमन को चुनाव जिताना, अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, ये भी आप याद रखिए। और कैसे घर होंगे? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, किचन में गैस का सिलेंडर, साथ में कोर्टयार्ड, ऐसे पक्के मकान बनेंगे। इस देश में मोदी जी के राज में कोई भी गरीब आदमी अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान देंगे, पक्का मकान बना करके देंगे। और 3 करोड़ नए घर बनेंगे, ये भी ध्यान में रखिए। हमारी बहनें बैठी हैं, आज 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिल गया, गैस का कनेक्शन मिल गया, 10 करोड़। और अब मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर नहीं होगा, घर तक गैस पाइप से पहुंचाई जाएगी, घर घर पाइप पहुंचेगा और एक नए विकास का काम होगा। यहां ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको, गैस के सिलेंडर के साथ साथ स्वच्छता अभियान, 11-12 करोड़ इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने 12 करोड़। आप सोचो 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी, उनको इज्जत से जीने का अगर किसी ने माध्यम दिया, महिला सशक्तिकरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और संख्या क्या है? 12 करोड़ 12 करोड़। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमारे गरीब लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 से 55 करोड़ लोग, और ये गरीब लोग कौन? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, बोझा उठाने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, हमारा रैग पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाने वाला, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री ने साल में हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की हर साल। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आपका आशीर्वाद चाहिए होगा आज मीरा जी को, ये चुनाव जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश में, सुन लो मेरी बात, इस देश में 70 साल से ऊपर की कोई भी बहन, माता, कोई भी महिला और 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, कोई भी इलाके का, उसको प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, किसी ने किन्नर समाज की चिंता नहीं की, इनका बुढ़ापा कैसे गुजरता होगा किसी ने नहीं सोचा, मोदी जी ने इनको भी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ लिया है, अब सारा किन्नर समाज उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। इस प्रकार से विकास का काम चल रहा है। मित्रों, मैं विकास की कहानी आपको सुनाने लगूं,
आज 11 लाख से ज्यादा हमारे हमारे ये औषधि केंद्र बन रहे हैं और उनका विकास भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना को, यहां विरोध की सरकार रही, पहले बीआरएस की सरकार रही और फिर कांग्रेस की सरकार रही, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने आपके बजट को टैक्स के माध्यम से 3 गुना बढ़ा दिया और आपको 3 गुना आपकी सहायता टैक्स के डिवोल्यूशन से दिया जा रहा है और 3 गुना आपको आपको ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। इसके विकास का काम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल का कातिया में खुल रहा है, रेल का एलोगेशन, रेल के लिए बजट आपका 20 गुना बढ़ा दिया गया है और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी एक्सप्रेसवे बनाकर आज तेलंगाना की तस्वीर मोदी जी अगले 5 साल में बदल डालेंगे और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे खड़े करेंगे। अमृत भारत, वंदे भारत, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, इन सब का काम तीव्र गति से चल रहा है और उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में महबूबाबाद आदर्श रेलवे स्टेशन बनेगा अमृत भारत में, आदर्श रेलवे स्टेशन। और याद रखना, मैं आऊंगा, मुझे बताना, आज से 3 साल बाद महबूबाबाद का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में तुमको कोई अंतर नहीं दिखेगा, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनेगा। उसी तरीके से अमृत शहर म्युनिसिपैलिटीज, उसमें द्रोणकल, महबूबाबाद और मारीपेड़ा, इनको भी जोड़ लिया गया है और आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके लिए महबूबाबाद में एक नया केंद्रीय विद्यालय, वह भी आप लोगों के लिए खोला गया है, उसको भी आप ध्यान रखें। और उसी तरीके से खेलो इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट प्रदेश का अगर हो रहा है तो वह भी महबूबाबाद में हो रहा है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि एकलव्य मॉडल के रेसिडेंशियल स्कूल जो खोले जा रहे हैं, उसमें बयाराम, गुद्दूर, कोठागुडेन और कुरावी, ये सभी जगह पर रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य विद्यालय हमारे बंजारा भाई, ट्राइबल भाइयों के लिए खोला जा रहा है और विकास किया जा रहा है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अजमेरा सीताराम नायक जी, जो पिछले प्रोफेसर हैं, 10 साल से राजनीति में हैं, हम सब जानते हैं इनको कि ये किस तरीके से आपकी सेवा में, एक बंजारा समाज से आकर पढ़ लिख करके आपकी सेवा में जुटे हैं। इनको आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, मैं यहां एक विषय और रखना चाहता हूं और मुझे हां और ना में जवाब देना। हमने तय किया है, हमारा एमपी अजमेरा सीतारमन नायक, और हमने तय किया है कि हमारा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस का, घमंडिया अलायंस का, गबंडिया गठबंधन का कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन होगा प्रधानमंत्री, मालूम है किसी को? कोई किसी को मालूम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी तो बनेंगे, उधर से कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, कौन है कैंडिडेट? अच्छा, फर्ज करो राहुल गांधी बनते या बन जाए, खुदा ना खास्ते, या उनको आप कोई आगे लाए, क्या वो कोरोना से लड़ सकते थे? क्या वो, जोर से बोलो भाई, क्या वो कोरोना से लड़ सकेंगे? आप बताओ, क्या वो महंगाई से लड़ सकेंगे? क्या वो विकास के काम में योगदान कर पाएंगे? क्या वो दुनिया के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे? जोर से बोलो, कर पाएंगे? मित्रों, ये सब घमंडिया अलायंस के लोग वो हैं जो सत्ता
हथियाने के लिए लगे हैं लेकिन आपकी सेवा के लिए नहीं लगे हैं। इनको सेवा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये बचाने में लगे हैं। इनकी रैली में दो कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। एक कुर्सी खाली रखी जाती है हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड का मुख्यमंत्री जो जेल में है, और एक खाली रखी जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए जो जेल में है और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ये भ्रष्टाचारियों के साथ रैली करते हैं। आप बताओ कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया कि नहीं किया? अब हाँ या ना में जवाब देना, जोर से बोलो, कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? टूटी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? सारे घोटाले किए। आप बताओ लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ स्टालिन के परिवार ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ ममता के मंत्रियों ने टीचर की भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ उन्होंने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे आ गए, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है भ्रष्टाचार बच नहीं पाएगा और भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, उसकी तैयारी करो। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मेरे हां और ना में फिर जवाब देना। बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है, जमानत पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ कार्तिक चिदंबरम जमानत पर है कि नहीं है? पी चिदंबरम जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे गठबंधन के घमंडिया गठबंधन के नेता या तो जेल में है या बेल पर हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने देना क्या? आगे आने देना है क्या? मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी ताकत लगाकर, आप देखो कांग्रेस पार्टी इतनी बौखला गई है कि आज अमित शाह जी के नाम पर तेलंगाना का सोशल मीडिया और सोशल मीडिया फैब्रिकेटेड भाषण उनके दे रहा है, उसको गलत काट करके उसके वक्तव्य को निकाल करके वो ऐसे पोस्ट डाल रहा है गुमराह करने के लिए। बोलो ये बौखलाहट का नतीजा है कि नहीं है? ये बौखला गए हैं कि नहीं बौखला गए? मित्रों, इनको घर बैठाओ और अजमीरा जी को, सीतारमन नायक को दिल्ली भेजो। बोलो भेजोगे ना? जोर से बोलो, मैं सब तरफ से आवाज सुनना चाहता हूं, भेजोगे ना? मैं पीछे उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, भेजोगे? चुनाव जिताओगे? दिल्ली भेजोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।